नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कश्मीर घाटी में 3 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर उन सभी का तबादला जम्मू नहीं किया गया तो वे घाटी से पलायन करेंगे। आज कुलगाम में अनुसूचित जाति की रजनी बल्ला की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों की बेचैनी और बढ़ गई है। जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली रजनी कुलगाम के हाई स्कूल में पढ़ाती थी। गोपालपुरा के हाई स्कूल में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। इस महीने ये 7वीं घटना है जब आतंकवादियों ने टारगेट अटैक किया है। इनमें बडगाम की 35 साल की एंकर अमरीना भट्ट भी शामिल हैं। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही सैफुल्ला कादिर की भी उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने रजनी बल्ला की हत्या की निंदा की है, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि निंदा ही हो रही है, आतंकवादियों का हौसला नहीं रुक रहा। घाटी में अलग अलग सरकारी विभागों में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें पुनर्वास के नाम पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जब तक घाटी में हालात सामान्य नहीं होते तब तक उन्हें जम्मू भेज दिया जाए, नहीं तो वे पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल की हत्या के 12 दिनों के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, तब उनका बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि यहां आतंक का इकोसिस्टम इतना फैला हुआ है कि परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद लोगों में असुरक्षा और बढ़ गई। हैदर फिल्म का एक संवाद याद आता है, किसका झूठ झूठ है, किसके सच में सच नहीं है कि है नहीं, बस यही सवाल है और सवाल का जवाब भी सवाल है। स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल होने से कुछ ही मिनट पहले रजनी बल्ला को आतंकियों ने गोली मार दी। 7 साल से उनके साथ काम कर रहे सहकर्मी शोक और हैरानी में डूबे हुए हैं। गोपालपुरा हाई स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि जब सुबह की प्रार्थना हो रही थी तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। फिर स्कूल से महज 50 मीटर दूर रजनी गोलियों से छलनी मिली। अभी स्कूल पहुंची नहीं थी तो उसकी क्या हो गई? तो आपने कब देखा? साथ मेरे 7 साल से हमारे साथ। 7 साल से आपके साथ? कभी कुछ नहीं, उसके बच्चे भी हैं। नहीं हुआ, एक बच्ची है उसकी, बस 8 दिन पहले वो हमारे साथ एक्सकर्शन पर थी। एक साथ थी, एक साथ खाया, एक साथ खेला, एक साथ घूमे, क्या पता था। मुसलसल बेगुनाहों को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। रजनी के कत्ल के फौरन बाद कश्मीरी पंडित जो पिछले 3 हफ्तों से एहतजाज पे हैं, जब से राहुल भट्ट को मारा गया तब से वो कहते हैं उन्हें जम्मू के सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए, और आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया अगर 24 घंटे तक सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं दिया तो वो यहाँ से माइग्रेशन दोबारा करेंगे। 4,000 से ज़्यादा जो कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ हैं प्रदर्शन पे हैं। हत्यारे आए और गोली मारकर भाग गए। पुलिस का कहना है कि वो अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये हर हमले के बाद होता है। कातिल आया भी, मारा भी और उसके बाद भागने में कामयाब हुआ, और पुलिस का ये दावा है कि वो उनको उनकी पहचान करेंगे और उनको मारेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा हो रहा है। राहुल को भट्ट को मारा गया, कहा उनके कातिलों को पहचाना गया है, उनको मारेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को मारता, मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जैसे पिछले दिनों अमरीना भट्ट एक टीवी आर्टिस्ट को अपने घर में ही मार दिया गया, एक दिन बाद पुलिस ने कहा कि उसके कातिलों को मारा गया, 2 मिलिटेंट उनको मार दिया गया, लेकिन ये बेगुनाहों का कत्ल ये बंद नहीं होता है। रजनी की दोस्त और सहकर्मी साइमा की रुलाई खत्म नहीं हो रही। उसकी अपील है कि हिंदुओं को लक्षित हमलों से बचाया जाए। हमारी तरफ से हमें ज़्यादा मीडिया फेस नहीं करते, जो बाकी है ना आप उनके लिए प्लीज़ कोई सेफ्टी का वो कराए। बेचारों को वहाँ जो ट्रांसफर कराए वो भी इतने दहशत में थे, मतलब उनको सेव करके बस ये आप वो बेचारी गई आप इंशाल्लाह मुझे शहीद हो गई वो फिर इस तरह की बाकी जो है उनको सेव रखे बस ये आप मैसेज दे दीजिए। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे करीब 4,000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहां से दूसरी जगह भेजा जाए। इन लोगों ने राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि बहुत हो चुका,
अब अगर अगले 24 घंटे में सरकार जम्मू में तबादला नहीं करती तो वो खुद चले जाएंगे। प्लीज जब तक यहाँ के हालात नॉर्मल ना हो जाए हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए फॉर द टाइम बीइंग 2 to 3 years। जैसे IGP साहब ने बोला कि कश्मीर में हम लोग 2-3 साल में टेररिज्म फ्री करेंगे कश्मीर को, तो हमने भी वही एक टाइम उनसे मांगा था कि हमें रिलोकेट कीजिए उस टाइम के लिए, जब तक कि यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हमारे लिए जिंदगी नॉर्मल नहीं हो जाती। लेकिन उसी के दौरान अभी 3 दिन के बाद ही हमारी एक और बहन को शहीद कर दिया गया स्कूल के प्रोमिसेस के अंदर असेंबली करते हुए। अब हमारी ये हमने अब कोर पैन वैली कश अपना बारामूला से विसू तक अनंतनाग मटन जितने भी हमारे ट्रांजिट कैंप्स है शेखपुरा से हम श्रीनगर तक हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का कहना है कि वो बहुत डरे हुए हैं। अजय पंडित टीचर है, उनका कहना है कि वो जब भी क्लास में होते हैं वो लगातार गेट की तरफ देखते रहते हैं कि कहीं कोई आकर उनकी हत्या ना कर दे। आज हमें फेथ नहीं है, आज मैं अपने स्कूल में जब सर बैठता हूँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था हूँ तो मेरा अगर एक हाथ में वो मार्कर है तो दूसरी आंखें मेरी हमेशा गेट की तरफ कि कौन आ रहा है कौन आप वापस जा सकेंगे अपने स्कूल में पढ़ाने सर। पहले तो सर एक चीज है, गवर्नमेंट से हम क्या मांग रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं सर कि एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें हम काम कर सकें। मैं अपनी पोटेंशियल सर तभी दे सकूंगा जब मेरे को सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड मी सेफ एनवायरनमेंट मैं सर कैसे काम कर सकता, मुझे अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। खुद के तबादले की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार सुरक्षा का भरोसा दे रही है लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनका भरोसा हिला है क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि वो ये गारंटी नहीं दे सकते कि आगे कोई घटना नहीं होगी। कश्मीरी पंडितों के सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो आतंकवाद को खत्म करेंगे लेकिन जो इकोसिस्टम है वो चिंता की बात है। मुसलमान के सिख के बाकी ईसाई हम एक है, जब मैं जाऊंगी अभी मिलिट्री के पास इसी तरफ मारेगा मुझे दे दो गोली, मैं तैयार हूँ गोली लेने के लिए। इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है और वो ऐसा इकोसिस्टम है कि हो सकता है यहाँ भी कोई हो जो सूचना दे रहा हो, कोई नहीं जानता, परछाई पर भी यहाँ संदेह किया जा सकता है। लेकिन मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि कोई घटना नहीं होगी, कोशिश हम जरूर कर रहे हैं लेकिन केवल वो लोग जो बंदूक चला करके लोगों की जान ले रहे हैं ये हमारे टारगेट नहीं है, वे तमाम लोग हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं। रजनी बल्ला की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने हाथों में प्लेकार्ड लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा क्या अगला टारगेट मैं हूँ। कुलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन करने के लिए अल्टीमेटम दिया हो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पलायन के चेतावनी की खबर से गोदी मीडिया ने किनारा कर लिया हो। जिस गोदी मीडिया ने कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म पर दिन रात लगाया, लोगों के बीच भ्रामक उबाल पैदा किया, उसके रहते कश्मीरी पंडित इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके प्रदर्शन को गोदी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि घाटी में आतंकवादी मारे नहीं जा रहे, हर दिन एनकाउंटर की खबरें आती हैं लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से आम नागरिकों को चिन्हित कर निशाना बनाया जा रहा है उससे लोगों में असुरक्षा बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं भूसे की, उसकी भी कर लेते हैं। अगर इसी तरह यह संकट जारी रहा तो भूसे के साथ साथ दूध भी महंगा होता जाएगा। हरियाणा और पंजाब ने दूसरे राज्यों में भूसा बेचे जाने पर रोक लगा दी है, कई और राज्यों ने ऐसा किया है। इस कारण उत्तराखंड में भूसे का दाम तेजी से चढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने मई के पहले हफ्ते में आदेश जारी कर दिया कि राज्य में पैदा होने वाला भूसा पड़ोस के राज्यों में नहीं जाएगा वरना मुकदमा हो सकता है। इसी के साथ दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है और भूसे की कालाबाजारी पर नजर रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आदेश 15 दिनों के लिए जारी हुआ था।
इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भूसा महंगा होगा और नहीं मिलेगा तब लोग अपने मवेशियों को खुला छोड़ सकते हैं, इससे दूसरे तरह का संकट पैदा होगा और फसलों के चर जाने के कारण गांव में झगड़े बढ़ जाएंगे। राजस्थान में भी भूसे का भाव 2000 क्विंटल तक पहुंच गया है। 30 मई के डाउन टू अर्थ में भागीरथ की यह रिपोर्ट इस संकट की गंभीरता बता रही है। इसमें लिखा है कि भूसे का दाम 3 गुना बढ़ने से मंगत राम ने अपनी डेयरी से 28 गायों को बेच दिया है। मनेसर के मंगत राम का कहना है कि पिछले साल जो भूसा 425 रुपए क्विंटल खरीदा था, इस साल 1500 रुपए क्विंटल खरीदा है। एक गाय को चारा खिलाने में हर दिन 250 रुपए का खर्च आने लगा है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार मंगत राम डेयरी फार्म की जगह कुत्ते की फार्मिंग करने की सोच रहे हैं। विदेशी कुत्तों के पिल्लों के दाम अच्छे मिल जाते हैं। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन घाटे का सौदा होता जा रहा है। भूसे का दाम बढ़ने से किसानों को घाटा हो रहा है। मंगत राम के गांव के कई किसानों ने गायें बेच दी हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री गुजरात में थे सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में। वहां उन्होंने 8 लाख करोड़ के दूध उत्पादन की बात तो की, मगर भूसे के संकट का कहीं जिक्र नजर नहीं आया। इस समय पशुपालन सेक्टर किस संकट से गुजर रहा है उसकी फिक्र नहीं दिखती है। आज भारत एक साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। 8 लाख करोड़ रुपए का दूध, और प्रमुखतया ये कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। उसकी दूसरी तरफ जरा देखिए, गेहूं और धान का बाजार अगर हम मिला करके देखें तो वो दूध उत्पादन से भी कम है। यानी दूध अगर 8 लाख करोड़ का है तो गेहूं और धान का टोटल उससे भी कम है। आप देखिए दूध उत्पादन में हमारे देश ने कितनी बड़ी ताकत खड़ी की है। इसी तरह हम पशुपालन के पूरे सेक्टर को देखें तो ये 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ये भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। भारत के छोटे किसान अगर पशुपालन सेक्टर को मजबूती दे रहे हैं तो भूसे के दाम बढ़ने से उन पर जो तूफान आ रहा है उसका भी जिक्र होना चाहिए था। पशुपालक लगातार कह रहे हैं कि उनकी कमाई घट रही है। अब अगर भूसा 3 गुना महंगा होगा तब तो गाय रखना ही मुश्किल हो जाएगा। इसका असर दूध के दामों पर भी पड़ सकता है। अगर भूसा न खरीद पाने के कारण किसान अपनी गाय हटा रहे हैं या कम दाम में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। इससे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही चरमरा रही होगी। पशुपालन के सहारे ही खेती किसानी का बड़ा हिस्सा सहारा पाता है। यह खबर 27 मई के अमर उजाला में छपी है। बलिया के एक सरकारी स्कूल में भूसा रखने का गोदाम बनाया गया है। एक वीडियो वायरल होने की यह खबर है कि क्लासरूम में भूसे रखे हैं। 19 मई की पत्रिका में लखनऊ से खबर छपी है कि भूसा 3 गुना महंगा हो गया है। बुंदेलखंड में भूसे का संकट और विकराल है। इस कारण वहां दूध का भाव 80 रुपए तक पहुंच सकता है। जाहिर है भूसा महंगा होगा तो दूध भी महंगा होगा। अभी तक दूध 55-56 रुपए लीटर मिला करता है, लेकिन पत्रिका में छपा है कि 80 रुपए तक पहुंच जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। हापुड़ के दुग्ध उत्पादक नईम का कहना है कि वे अभी ही 70 रुपए लीटर दूध बेचने लगे हैं। इससे कम में दूध की लागत या पशु की लागत नहीं निकल रही है। पहले हमें भूसा 700 रुपए क्विंटल मिल जाता था। अच्छा, 700 रुपए में हमारा सेव सता रहा था। भूसे में रेट हो गया 1400 रुपए क्विंटल। अब मेरी ही 30 भैंसें थी, मैं 30 में 10 भैंसें बेच चुका हूँ। बाकी नहीं बेचने की मतलब लगा हुआ हूँ, बेच दूंगा। क्यों ऐसा क्यों बेच रहे हैं आप? ऐसा औसत नहीं आ रहा है। पहले 50-55 रुपए दूध बिकता था हमारे यहाँ, अब 60-65 रुपए दूध बिकने में औसत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से डेयरी बंद करनी पड़ रही। अच्छा, पहले आप भूसा कितने दिन पहले आपने 700 रुपये खरीदा था? जब ये गेहूँ करते थे तब भूसा 700 रुपये दिया था, और इस बार अब 1400 रुपये क्विंटल पर ले। महानगरों में पैकेट में मिलने वाला दूध अभी 80 रुपये लीटर नहीं हुआ है, 60 रुपये से कम ही है। लेकिन इस दबाव को पशुपालक कब तक झेल पाएंगे? उनकी लागत बढ़ेगी और कमाई कम होती जाएगी। मार्च और अप्रैल से ही भूसे का संकट दिखने लगा था। आमतौर पर भूसा 500-700 रुपये क्विंटल मिल जाता है, लेकिन यूपी में यह 1300-1500 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया है। इस कारण सरकारी गौशालाओं के लिए भी संकट
आ सकता है। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को भूसा जमा करने के लक्ष्य दे दिए गए हैं कि इतना क्विंटल भूसा जमा करना है। एक लिखित आदेश में दिखता भी है कि हर अधिकारी के आगे लिखा है कितना क्विंटल भूसा जमा करना है। जब इसकी खबरें मीडिया में आने लगी तो आदेश में संशोधन किया गया, कहा गया कि जो दान में भूसा देना चाहे उसी से लें, लेकिन जब रेट इतना ज्यादा हो तो कोई भी किसान भूसा बेचना चाहेगा, दान नहीं देना चाहेगा। 21 मई को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि पशुपालन विभाग के कार्य में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। विभाग में शासन स्तर के अधिकारियों को जनपदों के नोडल अधिकारी के रूप में फील्ड में भेजा जाए, जनपदों में जाएं, गौ आश्रय स्थलों में व्यवस्था की पड़ताल करें और भूसा बैंक बनवाएं। इस सख्ती का यही मतलब है कि अधिकारी फील्ड में जाएं और भूसा जमा करें। बात भी सही है कि संकट की जिम्मेदारी सरकार की है, अधिकारी नहीं लगेंगे तो कौन लगेगा? क्या इसलिए कुछ अधिकारियों को दिक्कत हो रही है कि वे अफसर हैं, भूसा कैसे जमा कर सकते हैं, उनका काम नहीं है? ऐसे अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि भूसा गाय के लिए जमा कर रहे हैं और गाय तो माता है, फिर उन्हें लगेगा कि पुण्य का काम है और वे मन से भूसा जमा करने लगेंगे। ऐसे अधिकारियों को व्हाट्सएप से मीम भी भेजे जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई लिखित आदेश भी है तो भी अधिकारियों को खुलकर गर्व से भूसा जमा करना ही चाहिए। दान के भूसे से लदी बैलगाड़ी की अगुवाई करने खुद टुंडला के SDM आए हैं, फिर फोटो खिंचाकर दो पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में भूसे की बैलगाड़ी गौशाला में दाखिल हो जाती है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त भूसे पर नाना प्रकार के सरकारी फरमान जारी हो रहे हैं। मसलन पशुधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि सभी जिलाधिकारी से 2,00,000 टन भूसा दान में मिलने की उम्मीद की जाती है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने 18 मई को 100 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सैकड़ों कुंटल भूसा दान में लाने का लक्ष्य दे दिया। जबरन भूसा दान लेने पर जब हो हल्ला मचा तो फिर 26 मई को आदेश में नरमी दिखाते कहा गया कि बाजार में भूसा दान के लिए ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए स्वेच्छा से किसानों से भूसा दान में लिया जाए। संत कबीर नगर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र में लिखा कि प्राथमिकता के आधार पर सभी से एक एक क्विंटल भूसा दान लिया जाए। लखनऊ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने तो फरमान निकाल दिया कि हर पशु चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर 20 क्विंटल भूसे को गौशाला पहुंचाए, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा कई मौखिक आदेश भूसे को लेकर दिए गए हैं। ज़्यादातर जनपदों में उपरोक्त योजना के अंतर्गत हजारों कुंटल भूसा एकत्रित किया जा चुका है। कुछ जनपदों में इस संबंध में भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिसमें फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर जनपद शामिल हैं। व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य दिए जाने के कारण कर्मचारियों अधिकारियों में भारी रोष है। एक बैठक मीटिंग में थे, DM साहब भी थे, सभी अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए थे, उसमें बात आई कि सभी लोग मिलजुल कर भूसा दान करें, पर उसकी पहल कोई नहीं कर रहा था। तो जब भी बेटी का जन्मदिन आया तो मैंने क्यों ना इस पहल को किया जाए, और जब पहल की उसके बाद आज पूरे जनपद में लोग भूसा दान कर रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों से भूसा दान में क्यों लिया जा रहा है, ये जानने के लिए हम पहले फिरोजाबाद के श्रीनगर गौशाला पहुंचे। यहाँ PWD इंजीनियर्स के दान का भूसा पहुंच चुका है। आज दिनांक 25/5/22 को ऊंट गाड़ी से भूसा आया 12 कुंटल 25 किलो निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग PWD फिरोजाबाद द्वारा गौशाला में दान किया गया। इस सरकारी गौशाला में 60 से ज्यादा गाय हैं। हर गाय पर 30 रुपए रोज सरकार देती है, लेकिन दान का भूसा अगर ना मिले तो क्या इन गायों का पेट भरेगा? गौशाला के केयर टेकर का जवाब सुने। मैं मानता हूँ साहब 30 रुपए से इनका पेट नहीं भर पाएगा। अच्छा, क्योंकि 30 रुपए से मैं 100 रुपए का तो एक टाइम में भूसा खा जाती हूँ जी, दोनों टाइम में, और सरकार के द्वारा 30 रुपए का आ रहा है। भूसा भी महंगा हो गया, भूसा भी महंगा है, 17-15 रुपए किलो के हिसाब से आता है। उत्तर प्रदेश में भूसे का संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बाजार में गेहूं 2,000 रुपए कुंटल है,
और भूसा 1400 से 1600 रुपए क्विंटल तक। आजादी के बाद पहली बार भूसे की महंगाई ने कैसे किसानों के पशुपालन का अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं फिरोजाबाद के भड़ौला गांव। भूसा कोई कहे दान देने के लिए तो दोगे आप भूसा? भूसा अपने पशुओं के लिए नहीं है, दान कहाँ से देंगे? अच्छा। यहाँ आलू की पैदावार अधिक होती है क्षेत्र में, गेहूं कम होता है वैसे भी। अच्छा। आलू मिर्च और आवारा पशुओं की वजह से गेहूं बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये देखो सामने खेत पड़ा है, पूरे खा गए, कटा भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चारे की महंगाई से छुट्टा मवेशियों की तादाद बढ़ने और सरकार के लिए गौशालाओं में 8 लाख से ज्यादा मवेशियों के लिए 10 लाख टन से ज्यादा भूसे का इंतजाम करना कितनी बड़ी चुनौती है। तो दान में भूसा मांगने वाली सरकारों को सोचना चाहिए कि जब इस दौर में इंसान की रोटी और मवेशियों के चारे का दाम लगभग एक सा हो गया है, तो आखिरकार आम इंसान और साधारण किसान इस महंगाई के दौर में दान के लिए भूसा कहां से लाएगा। फिरोजाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खेती किसानी की दुनिया इतनी विशाल है कि दिल्ली में कैद मीडिया को उसका अंदाजा नहीं लग पाता कि उसकी संभावना कितनी है और संकट कितना है। हम नहीं जानते कि भूसे का दाम 3 गुना महंगा होने से लोग अपने मवेशियों को पेट भर चारा खिला पा रहे हैं या नहीं, उन पर किस तरह का आर्थिक दबाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में प्याज की खेती करने वाले किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। आप भले 20 रुपया किलो प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपया किलो का भी भाव नहीं मिल रहा। उनकी सारी कमाई डूब गई है। चलो 1 रुपया का 4 किलो कांदा, 1 रुपया का 4 किलो कांदा, 1 रुपया का 4 किलो कांदा। मध्य प्रदेश की मंडियों में 1 रुपए किलो बिकने वाला प्याज शहर आते आते 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा है। विक्रेता और ग्राहक दोनों किसानों की मेहनत को समझ रहे हैं, अपनी और उसकी बेबसी को भी। 10 रुपए दिए तो हम ले आके यहाँ 15 रुपए बेचते हैं, और महंगा देते हैं तो हम भी महंगा बेचते हैं, इससे ग्राहकी पर असर पड़ता है। अभी प्याज सस्ती आ रही है, फिर भी महंगी दे रहे हैं, 9-10 रुपए दे रहे हैं, हम 15 ले आके बेच रहे हैं। तो फायदा किसको इसमें? फायदा सर इसमें किसान को नहीं है, किसान को तो घाटा है। इतनी मेहनत से उगाता है, बीच में ये जो बिचौलिए आते हैं आड़त वाले या मंडी वाले जो वो ले लेते हैं, वो कमाते हैं ज़्यादा। 15 रुपए किलो दे रहे हैं ये तो, और भले वो लोग क्यों 1 रुपए किलो वहाँ से मिल रही होगी या 4 रुपए किलो, लेकिन यहाँ पे तो हमको तो 10-15 रुपए से कम नहीं है, 15 रुपए। तो इसमें किसको फ़ायदा है? अब इसमें तो फ़ायदा क्या, हम लोग को भी नुकसान है और उधर पे जो गाँव के जो किसान हैं उनको भी नुकसान है, और जो बीच के जो लोग हैं बोलो उनको फायदा है इस बीच में। राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के सुदवास गांव में सुनील कारपेंटर अपने परिवार के 6 सदस्यों का पेट पालने के लिए 12 बीघा जमीन पर खेती करते हैं। पहले प्याज की खेती के लिए पसीना बहाया, फसल बेचने पर मिल रहे दाम से पसीने छूट रहे हैं। फसल का कुछ हिस्सा बेचने के लिए जिला मुख्यालय पर 2000 रुपए का ट्रैक्टर किराया दिया। 23 बोरी प्याज बेचने के बाद सुनील के हाथ में केवल 1600 रुपया, यानी कुल जमा 75 पैसे प्रति किलो। कोई भी नहीं टूटे नहीं सपना, हम तो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसान लोग हैं हम। अभी 1.5 लाख का खर्च और 80,000 का प्याज हो। इसी गांव में 20 बीघा जमीन पर खेती करने वाले मुकेश को भी प्याज के दाम रुला रहे हैं। 4 बीघा की प्याज उगाने के लिए 40,000 रुपए खर्च किया। 12 क्विंटल प्याज बेचने के लिए जिला मुख्यालय पर 2000 रुपए ट्रैक्टर किराए देकर आए और हाथ में आई राशि कुल 1600 रुपए। दाम तो बहुत कम मिल रहा है। कितना दाम मिला आज फसल कितनी? 23 कट्टी प्याज की लेके आया, 23 कट्टी का मात्र 1600 रुपए मिल रहा है। 250 रुपए की तो कट्टी ही थी, 1600 रुपए की कट्टी बिकी 23 कट्टी। कनी महंगी आई इसमें, दवाई का भी खर्चा आया, कटाई भी बहुत महंगी पड़ी इसकी, निंदाई खुदाई भी महंगी पड़ी, मात्र 1600 रुपए आया 23 कट्टी थी। आगर मालवा जिले के ही बटावदा के किसान अपने घर से प्याज बेचने निकले तो मन में खुशी थी कि प्याज की मूल लागत तो निकल आएगी, लेकिन जब प्याज की तुलाई हुई और उसका हिसाब हुआ तो किसान के पैरों की जमीन खिसक गई। 790 रुपए की प्याज हुई, उसमें 184 रुपए हमाली चली गई, 600 रुपए भाड़ा लग गया, ऐसे में मात्र 6 रुपए किसान के हाथ आए। प्याज के कारोबारी कहते हैं निर्यात खुले तो शायद दामों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी का भी इंतजार है। निर्यात बंद है, निर्यात चालू हो जाए, वाटर चालू हो जाए तो भाव बढ़ जाए।
एक रुपए का चार किलो कांदा, एक रुपए का चार किलो कांदा। किसान अब विरोध करने लगे हैं। खंडवा में किसान मजदूर संघ के किसानों ने कलेक्टर परिसर के पास ही टेंट लगाकर सिर्फ एक रुपए में चार किलो प्याज बेचा, सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। लागत किसान को आज 12 रुपए किलो पड़ती है और अगर 10 रुपए किलो किसान को अगर प्याज बिकता है तो 2 रुपए किलो का घाटा जाता है। आज मंडी की परिस्थिति ऐसी है कि 4 रुपए और 5 रुपए किलो में प्याज बिक रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसान को जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आज जितना वो मजदूरों को मजदूरी देता है वो भी मंडी से पैसा वसूल नहीं होता। किराया, भाड़ा, ट्रांसपोर्टिंग, कट्टे का खर्चा और मजदूरों की उखड़ाई निकल लेबर, ये खर्च नहीं पूर्ति कर पाता इस रेट में। मध्य प्रदेश में प्याज का रकबा लगभग 1,80,000 हेक्टेयर और उत्पादन 50 लाख टन है। 269 मंडियां हैं, 200 से ज्यादा में प्याज की खरीदी होती है। प्रतिदिन की औसत आवक 85 से 98 हजार क्विंटल तक है। प्याज की नई फसल आने के बाद से ही मंडियों में अचानक इसकी कीमतों में गिरावट देखी गई है। किसान प्याज लेकर मंडी में रोज आ रहे हैं लेकिन कीमतों को सुनकर हैरान परेशान हो रहे हैं। मंदसौर आंदोलन के बाद कभी सरकार ने प्याज 6 रुपए तो कभी 8 रुपए में खरीदा है। वजह चाहे जो भी हो लेकिन इस बार एक बार फिर कम कीमतों की वजह से किसान रो रहा है और ये सब जानते हैं कि कई बार इन आंसुओं ने सरकारों को भी रुलाया है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, खंडवा से निशात और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 20 मिनट की बरसात में कई लोगों को यही याद रहा कि ट्रैफिक जाम में कई घंटे फंसे रहे। कुछ लोगों को यही याद रहेगा कि उनकी कार पर पेड़ गिर गया। कुछ को याद रहेगा कि पेड़ गिरने से बिजली चली गई। किसी को याद नहीं रहेगा कि जलवायु संकट दस्तक देकर गया है और लोग बार बार भूलते जा रहे हैं। नई दिल्ली नगर पालिका के वानिकी के निदेशक ने इतिहास की नई सीमा ही खींच दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि एनडीएमसी के इतिहास में ऐसा प्राकृतिक इतिहास हादसा कभी नहीं हुआ। यह अच्छा है। इस तरह से अगर हम जलवायु संकट और उसके हादसों को पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, मेरा मोहल्ला, आपके मोहल्ले के इतिहास में बांट दें तो संकटों को याद रखने से दिल्ली मुक्त हो जाएगी। पेड़ों के गिरने के कारणों में केवल हवा की रफ्तार नहीं बल्कि दूसरे कारणों की भी भूमिका है। उस ईंट और सीमेंट का भी इतिहास कहा गया जिसे पेड़ों की जड़ों के चारों तरफ लपेट दिया गया ताकि उनकी जड़ें कमजोर होती जाएं। पिछले साल कोलकाता में अम्फन तूफान आया, हजारों पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए और सैकड़ों उखड़ गए। दिल्ली में 100 के करीब या उससे ज्यादा पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं और उखड़ गए हैं। जरूरी नहीं कि तूफान हर शहर और हर नगर पालिका में जाकर बताए कि ऐसा हो सकता है। एनडीएमसी हिस्ट्री में, हमारा जो दिल्ली हिस्ट्री में आज तक इसी प्रकार कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर कभी हुआ नहीं है, लेकिन इसी बार इतना पेड़ गिरा, इतना जो मास लेवल में मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड मैसिव डिजास्टर हुआ है, इट इज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस हमको ये कैसे टैकल। पहली बार लग रहा है, पहली बार हमें इसी तरह के जो होने के बाद हम कैसे टैकल करना, क्या प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें रिव्यू करेंगे। हर तरफ तबाही, पेड़ जमीन पर, दबी पड़ी गाड़ियां, रास्ते सिमट गए, रास्ते घंटों बंद पड़े रहे। राजधानी दिल्ली में इससे पहले ऐसा वाकया दिखा नहीं था। केवल नई दिल्ली इलाके में 77 पेड़ जड़ से उखड़ गए और पेड़ों की 58 शाखाएं भी टूट गईं। रोड तो क्लियर कर दिया लेकिन जो किनारे में सारे टहना है अभी भी, वरना सारे कितना वक्त लगेगा उसमें हटाने में आपको? एक दो दिन, तीन दिन, चार, कितना? इमेजिनेबल, हमें से हमारा नॉलेज अभी दूर था, इसी प्रकार कभी हुआ नहीं है। हम तो पहले कितना बार भी हुआ था, इसके हम आसान में टैकल किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ द मैसिव एंड नेचुरल डिजास्टर इन इंडियन एरिया एंड आई होप वी विल डेफिनेटली क्लियर ऑल दोस थिंग्स विद इन द कपल ऑफ डेज। ट्रैफिक को लेकर भी लोगों की परेशानी बढ़ी रही। पेड़ के सड़क पर गिरने की वजह से नई दिल्ली का कस्तूरबा गांधी मार्ग करीब 15 घंटों तक पूरी तरह बंद रहा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी आ चुकी है हमारे साथ, हॉर्टिकल्चर के टीम भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी टीम है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स है, जो हमारे पास रिजर्व स्टाफ था उसको भी हमने रूप इन कर दिया है। और सुबह 6 बजे से रात के 5 बजे तक तो कार्रवाई हुई है, 1 घंटा हमारे स्टाफ ने रेस्ट लिया है फ्रेशन अप होने के लिए, और 6 बजे से फिर से दिल्ली पुलिस ट्रैफिक स्टाफ जो है वो मौजूद है रोड पर ताकि जल्दी से जल्दी रोड क्लियर करवाया जाए और लोगों की असुविधा दूर की जाए।
उधर जामा मस्जिद के गुंबद के कलश को भी आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा, कुछ लोग जख्मी हो गए। शाही इमाम ने कहा कि मरम्मत का काम जरूरी है जो पिछले 4 सालों से नहीं हो सका है। ये कलश जो कल तूफान आया था दिल्ली में, उसमें गिर गया। उसके गिरने की वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए कल यहाँ पर, और वजन भी इसका बहुत ज़्यादा था। 3 टुकड़ों में ये गिरा है, 2 टुकड़े तो नीचे गिर गए और 1 टुकड़ा अभी भी ऊपर लटका हुआ है जी। इसलिए मैं आज DGSI को लेटर लिख रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपर्ट उन्हीं के पास हैं, वो आएँ और इसको उतारें, उतारने के बाद दोबारा इसके रिपेयरिंग वगैरह करके इसको वहाँ पर लगाएँ। बारिश और तूफान से बिगड़े हालात को पटरी पर लाने की कवायद फिलहाल चल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। क्या ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के मामले में छल कपट का सहारा लिया जा रहा है ताकि अदालत के फैसले से पहले जनमत के निर्माण के जरिए फैसले का माहौल बना दिया जाए? जब वादियों को यह वीडियोग्राफी इस हलफनामा के साथ दी गई कि वो वीडियोग्राफी को लीक नहीं करेंगे, तो वीडियोग्राफी की तस्वीरें और वीडियो चैनलों पर कैसे चलाई गईं, अखबारों में किस तरह से छप गईं? क्या अदालत इसकी जांच कराएगी और दोषियों को सजा देगी? अजय सिंह की ये रिपोर्ट। इन 4 सीलबंद लिफाफों में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की पेन ड्राइव है। सोमवार शाम इन्हें 4 वादी महिलाओं को सौंपा गया। ये सोशल मीडिया और TV चैनलों पर चलने लगे, जबकि महिलाएं दावा कर रही हैं कि उन्होंने तो लिफाफों की सील तक नहीं खोली है। इस पैकेट के अंदर जो है सर्वे कमीशन ने कार्रवाई किया, जो वीडियोग्राफी है उसका चीफ है या CD जो भी हो या पेन ड्राइव जो भी हो, ये माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ है, शुल्क देकर प्राप्त हुआ है। लेकिन माननीय न्यायालय ने अंडरटेकिंग देकर के दिया था लेकर के बादनी द्वारा कि यह किसी को सार्वजनिक नहीं करेंगे, सिर्फ अपने यूज करेंगे। और ज्यों ही 6:30 बजे लेकर के कैंपस से बाहर भी नहीं निकल पाई कि मीडिया में चलना शुरू हो गया, अभी लिफाफा खुला ही नहीं। तो इसकी स्थिति यह हो सकती है कि बादनी मुकदमा पर आरोप आ सकती है कि आपने अंडरटेकिंग देने के बाद भी न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया है। इसलिए न्यायालय के संज्ञान के लिए मैं इसको वापस करते हुए न्यायालय को संज्ञान लूँगा कि जो ऐसा कार्रवाई किया है उस पर जाँच कर उसको दंडित किया जाए, कार्रवाई की जाए। इस मामले में 5वीं वादी महिला राखी सिंह ने ये वीडियो फोटो नहीं लिए थे। उनके वकील इस प्रकरण की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, राखी सिंह की तरफ से जिला जज महोदय के यहाँ पे हमने एक दरख्वास्त लगाई है CBI जांच की। जो कल वीडियो लीक का प्रकरण हुआ है वो अपने आप में एक अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, वो एक चेन इवेंट है, चेन के अंदर का एक भाग है, पार्ट एंड पार्सल है। 4 मिनट के अंदर अंदर सभी चैनलों पर, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको ध्यान में रख करके हमने आज एप्लीकेशन राकेश सिंह की तरफ से CBI जांच की मांग की है। जबकि मस्जिद पक्ष के लोगों का कहना है कि ये लीक एक बड़ी साजिश है। ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक भी है। हमको तो इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। हमारी तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ रही है जांच के लिए। और अभी हमको ये पता चला है कि राखी सिंह की तरफ से भी कोई एप्लीकेशन CBI जांच के लिए दी गई है। हम लोगों की तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ रही है, अभी तैयार हो रही है एप्लीकेशन, हम लोग भी देने जा रहे हैं। जो जो इस पूरी कार्रवाई में लिप्त होंगे वो जांच में सब लोग पकड़े जाएंगे, जिन्होंने लीक किया होगा वो भी, और जो गैर कानूनी ढंग से उसको डिस्प्ले किए होंगे वो भी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पहले भी लीक होती रही है, लेकिन अदालत में हलफनामा देने के बाद इसका लीक होना ज़्यादा गंभीर मामला है। अब इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई की होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तब तक ये लीक वीडियो मीडिया में चलता रहेगा और इस पर बहस होती रहेगी, या फिर अदालत इस पर रोक लगाएगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। इन खबरों के बाद अगर आप थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं तो अखबारों में उन विज्ञापनों को देखा कीजिए जिनमें सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े छपा करते हैं। उन्हें पढ़ते हुए लगेगा कि अब कुछ बाकी ही नहीं है, जो लिखा है, जो छपा है, सब हो चुका है। बाकी ये जो खबरें हमने दिखाई, मान लीजिए कि किसी ऐसे उपन्यास का हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री तक ने बधाई नहीं दी है। आप ब्रेक ले लीजिए।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार पंजाब में उनके गांव मूसा में हो गया है। अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके चाहने वालों का कहना है कि उनके कत्ल करने वालों को कड़ी सजा होनी चाहिए। रोते बिलखते लोगों ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला बड़े दिल वाले थे। वो हर इंसान से मिलते थे। जिस ट्रैक्टर पर उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था, उसी ट्रैक्टर में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। घरों की छत पर पेड़ों पर चढ़कर लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। पंजाब से बाहर के भी कई युवा उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा नाम सामने आया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगाया। अब उससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे रिमांड पर लिया है। उसके एक दूसरे मामले में अदालत के निर्देश पर रिमांड पर लिया गया है। स्पेशल सेल की टीम लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से लेकर निकल चुकी है। अब उससे सिद्धू मूसेवाला केस में भी पूछताछ होगी। वहीं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड से कल 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्हें पंजाब ले जाया गया था। उनमें से एक शख्स मनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनप्रीत की भूमिका की जाँच की जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव किया। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन के कागज उन्होंने खुद देखे थे। उन्हें कानून की भी समझ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं सब फर्जी हैं। उन्हें केवल राजनीति की वजह से गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर 1% भी सच्चाई होती तो वो खुद सख्त कदम उठाते और उन्हें हटा देते। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है कानून के हिसाब से ही हो रही है। राज्यसभा चुनाव में सभी दल के उम्मीदवार लगातार नामांकन कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक से नामांकन किया। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार बिक्रमजीत सिंह साहनी और बलबीर सिंचेवाल ने राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। इस दौरान राज्य के मंत्री हरपाल चीमा और कुलदीप धालीवाल भी मौजूद रहे। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संगीता यादव, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल और दर्शना सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। वहीं राज्यसभा के चुनाव मैदान में 2 मीडिया मालिक भी उतरे हैं। इन दोनों ने राजस्थान और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।